अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी कोकोनट मैक्रोन्स की। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी से आज मैं आपको कोकोनट मैक्रोन्स बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। इसके लिए सबसे पहले हमें अंडे की सफ़ेदी चाहिए। 4 अदद अंडे हम लेंगे, जिनके हम सफ़ेदियाँ अलग कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे आपने अंडे नहीं लेने। थोड़ा सा उसे बाहर निकाल, मतलब 3 से 4 घंटे आपने इसे फ्रिज से बाहर निकाल के छोड़ देना है, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर आप उसकी सफ़ेदी अलग कर लें, जर्दी अलग कर लें। सफ़ेदी को हमने अच्छे से फेंट लिया है 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। ये टेस्ट पर डिपेंड है, अगर आपको कम पसंद हो तो आप चीनी कम भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चीनी शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। हमें इसे इतना फेंटना है ताकि अच्छे से क्रीमी हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि सारी चीनी मैंने ख़त्म कर दी है, अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट। और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से क्रीमी हो गया है। चीनी का जो दाना है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस या फिर वनीला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकती हैं, और अगर आप इसे स्किप करना चाहती हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। मैं रेड फूड कलर शामिल करी हूँ थोड़ा सा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें जब तक कि आपका डिज़ायर्ड कलर ना आ जाए। लाइट पसंद हो तो आप बेशक लाइट ही रखें, डार्क पसंद हो तो आप डार्क कर लें ज़्यादा कलर मिलाकर। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है कलर और जो वनीला एसेंस था। अब हम इसमें नारियल ऐड करेंगे, 3 कप हम इसमें नारियल ऐड करेंगे, जो कि खुश्क नारियल होता है, डेसिकेटेड कोकोनट जिसे कहते हैं, तो वो हम इसमें 3 कप ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। याद रखें कि जो मिक्सचर है वो आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि मेजरमेंट्स आपकी सही हो। अगर आपका मिक्सर ज़्यादा ड्राई हो गया तो कोकोनट मैक्रोन्स आपके सख्त बनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर, जो बिल्कुल दम वाली आंच होती है, उस आंच पर हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। ये सिर्फ चीनी पिघलाने के लिए, ताकि इसमें हल्की हल्की सी जो चीनी का जो दाना है अगर मौजूद हो तो वो पिघल जाए। आंच बिल्कुल भी आपने तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल मामूली आंच, बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने इसे कुक करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और आपने इसे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो फिर मैक्रोन्स सही नहीं बनेंगे। तो ये तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करके एक पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे इस तरह करके, और इसके हम मैक्रोन्स बना लेंगे, छोटे या बड़े ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप सिंपली ऐसे ही हाथ से उठाकर रख दें, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे प्रेस करेंगी तो ये ठीक नहीं बनेंगे। ये मैंने ओवन में बेक कर लिए हैं 15 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये मैक्रोन्स हमारे तैयार हैं। तो हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसे प्लेट में रखकर सर्व करेंगे, या अगर आप चाहें तो आप इसे जार में भी रख सकती हैं, एयरटाइट जार में आप इसे रख लें। ओवन को मैंने पहले से 15 मिनट के लिए 150 डिग्री पर ही प्रीहीट किया था। तो ये हमारे कोकोनट मैक्रोन्स तैयार हैं। एक जो है मैंने बीच में से कट करके आपको दिखाया है इन पिक्चर्स में। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बाहर से क्रंची हमारे कोकोनट मैक्रोन्स तैयार हैं। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।